कल सुबह 9 बजे के आसपास सांताक्रूज पुलिस स्टेशन को एक जानकारी प्राप्त हुई कि सेंट्रल एवेन्यू एरिया में एक वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र करीब 86 साल है, उनका नाम श्री मुरलीधर नाइक है, उनकी मयत स्थिति में शरीर घर में पड़ी हुई है। यह जानकारी प्राप्त होने के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारी कर्मचारी वहां पे तत्काल पहुंचे। पहुंचने के बाद प्रथम दृष्टि में यह नज़र आया कि वहां पे जो श्री मुरलीधर नाइक जी हैं उनका कपड़े से हाथ पैर और गला बांधा हुआ था और मुंह पे एक मेडिकल पट्टी लगाया हुआ था। उसके बाद ये अंदाज आ गया कि इनका किसी ने तो खून किया है। इसी दरमियान यह बात सामने आई कि उनके यहाँ 1 मई 2023 से एक कृष्णा मान बहादुर परियार नाम का लड़का केयर टेकिंग के लिए उनके पास था और वो उस समय मिसिंग था, और उसके बारे में अधिक जानकारी निकालने के बाद हमको समझ में आया कि वो सुबह ही किसी टाइम ये घटना को अंजाम देकर के उनके गले में सोने की 20 ग्राम की माला जिसमें रुद्राक्ष के बीड्स थे वो और उनके हाथ की घड़ी ये लेकर के वहाँ से उनका खून करके निकल गया है। और तपास के दरमियान ही ऐसा निष्पन्न हुआ कि वो जो है नेपाल जा सकता है, तो इसलिए इसके लिए विभिन्न पुलिस स्टेशन से अलग अलग एक 10 पुलिस टीम्स की इस पथक की नियुक्ति की गई। वो सारे पथक ने मिलकर अलग अलग टीम्स के रूप में काम किया और इस दरमियान हमको जो गोपनीय जानकारी मिली उसका तांत्रिक विश्लेषण करने के आधार पे पता चला कि यह घटना को अंजाम देकर के सुबह करीब 10 बजे के आसपास बोरीवली रेलवे स्टेशन से गुजरात की एक ट्रेन सौराष्ट्र एक्सप्रेस उसमें वो जा रहा था। उसके बारे में और जानकारी निकाल करके GRP और RPF की मदद से तथा वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन की मदद से जो टीम्स थी उन्होंने समन्वय रखते हुए वहाँ पे उसको डिटेन करने की कोशिश किया और अंततः अहमदाबाद में कल लेट नाइट उसको हम डिटेन करने में सफल रहे। उसके बाद यहाँ से हमारी टीम वहाँ पे पहुँच करके उसको अपने साथ आज हम मुंबई में लाने में सफल हुए हैं, और इस तरीके से ये कल सुबह जो लाने में सफल हुए हैं और इस तरीके से ये कल सुबह जो घटना के बारे में मर्डर के बारे में जानकारी मिली उसके आरोपी को 12 घंटे में हम अरेस्ट करने में सफल हुए। उनकी मयत श्री मुरलीधर नाइक जी की बेटी श्रीमती संगीता अरुण गर्ग इनके तकरार पे एक FIR नोंद की गई है। FIR 302 394 भारतीय दंड संहिता कलम के तहत सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में कल संध्याकाल को रजिस्टर किया गया। आरोपी जो है मुंबई में कुछ दिनों से है और उसको हम अभी जैसा आपको बताया हम अभी थोड़े देर पहले ही मुंबई ला पाए। उसके पास और अधिक तपास करना और अधिक अन्वेषण करना जारी है। एक बार ये जानकारी आने के बाद निस्संदेह वो कब से मुंबई में था, उसके ऊपर और कोई FIR दाखिल है क्या, ये आगे के अन्वेषण में हमारे सामने आएगा। एजेंसी का नाम है हेल्थ केयर एट होम और वो मुंबई की ही एजेंसी है, हेल्थ केयर एट होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का नाम है, और उनके पास करीब इस तरीके से केयर टेकर प्रोवाइड करने वाले जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई उसमें 30-35 लोग हैं और उसमें से ये एक था और ये पिछले 7 दिन से वहाँ पे था। पूछताछ कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा जो हमारी प्रायोरिटी थी आरोपी को पकड़ना प्रायोरिटी थी, उनके थ्रू भी हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की है और एजेंसी की तरफ से कोई क्या मिस्टेक हुआ है वेरिफिकेशन में या बाकी सारी चीज़ें वो आगे के अन्वेषण का निस्संदेह एक भाग है। आरोपी नेपाल का रहने वाला है, जो अभी तक हमारे सामने जो रिकॉर्ड्स हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आरोपी एक नेपाल का रहने वाला है।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।